एक साल बाद मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगी, बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शुभ की दुनिया। आपको दिख ही रहा हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रही हूँ मायके, पुणे में जा रही हूँ। मैं और शुभ जा रहे हैं, शुभ के पापा हमें बस छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन तक के। पापा अभी डिस्प्रेशन में है। नहीं, बहुत खुश है पापा तो अभी, क्योंकि अकेले रहेंगे, बढ़िया पूरा पसर के सोएंगे बेड पे, है ना। और 15-20 दिन उनको कोई टेंशन ही नहीं है हर बात पे रोका टोकी, तो पापा बहुत खुश है। बाय द वे, तो हम लोग नागपुर तक अकेले जाएंगे और उसके बाद फिर अदिति आएगी साथ में। मम्मी पापा से मिले, यार ये नहीं बोलेंगे। हाँ, तो मैं तो खुश हूँ भाई, इतने दिनों बाद, कई सालों बाद मैं पुणे जा रही हूँ। वैसे तो मैं हर बार चंद्रपुर जाती हूँ, और नहीं, मेरे भैया हमेशा बुलाते हैं, हमारा ही जाना नहीं हो पाता है। तो शुभ जब 2 साल का था उसी समय हम लोग गए थे, और शुभ अभी है 11 साल का। तो देखिए इतने सालों बाद हम लोग जा रहे हैं, वनवास के बाद जा रहे हैं। बहुत मजे करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। मेरी पापा भी वहाँ पे है, जीजा जी भी है वहाँ पर, वनवास में हम लोग रह रहे थे ना। और अदिति हमें ज्वाइन करेगी नागपुर से। मैंने टिफिन उफिन सब भर लिया है दोपहर के लंच के लिए, और रात का डिनर जो है अदिति बना के ले आएगी। तो गाइस आप भी चलिए मेरे साथ में, मैं अपना घर दिखाऊंगी, मेरे घर वालों से मिलवाऊंगी, तो चलिए चलते। पूरे 1 साल बाद मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगी, बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। और अभी बज रहे हैं 12:58, मतलब 1:02 बचा है, और 1:24 पे हमारी ट्रेन आएगी, तो हम लोग ऑन द वे है, बस पहुंच ही जाएंगे। हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, और ये रहे हमारे बैगेजेस, 4 बैग है टोटल, और इसी को लेके जाएंगे। अभी फिलहाल ट्रेन आ गई है, तो चलिए चलते हैं। तो अभी है दोपहर का समय, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर अदिति आएगी शाम के समय, तो उसको मैं ट्रेन में चढ़ा लूँगी। तो मिडिल बर्थ है मेरा और अपर बर्थ है शुभ का, यहीं पे ऊपर में शुभ सो रहा है, मैं यहाँ पे एक नींद ले लेती हूँ। अभी हम लोग पहुँचे हैं नागपुर स्टेशन में, और यहाँ से मैं अदिति को बिठाऊँगी, वो भी जा रही है हम लोग के साथ पुणे, तो उसको भी लेके जा रहे हैं हम लोग। वो यहाँ पे वेट कर रही है, और ट्रेन रुकने की देरी है, ट्रेन चल ही रही है एकदम स्लोली, वहाँ वेट कर रही है उसको बिठा लेते हैं। बिठा लिया अदिति को, बैठ गई, और अभी 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया बैठी है। बस आधे पौन घंटे बाद हम लोग डिनर कर लेंगे, क्योंकि अदिति खाना लेके आई है और सबको बहुत तेज़ भूख लगी है, शाम को कुछ खाया नहीं था, और अभी खा पी के सो जाएंगे। अंकल लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं हमारे कंपार्टमेंट में, पत्ते खेल रहे हैं। तो अभी खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, अभी चल रही है सोने की तैयारी। अदिति को मैं जगह पर सेट कर दी हूँ, वैसे तो उसका दूसरे के बोगी में उसकी सीट थी, तो मैंने एडजस्ट कर लिया करके अभी ले देखे। 10:30 हम लोग सोए हैं, तो हमारी सीट में एक मतलब हमारे कंपार्टमेंट में अंकल आंटी तीन लोग हैं। अब 10:30 वो लोग पत्ते खेलेंगे, लाइट ऑफ करने नहीं दे रहे। तो दिन भर में मैंने सह लिया। उसके बाद मैं बंगाली हूँ, तो मुझे मराठी आती है पूरी तरह से, मैं महाराष्ट्री हूँ, तो ये लोग मराठी में बोल रहे हैं कि छोड़ो ना, सोना है सोएंगे, नहीं सोना है नहीं सोएंगे। किसी को एसी की हवा कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को उजाला चाहिए, किसी को अंधेरा चाहिए, लोगों के बीच में ये सब एडजस्ट करना चाहिए। तो वो लोग एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे? फिर मैं उनको बोली, मुझे मराठी समझ आती है, मैंने भी मराठी में बात की, बोला कि 10:30 सब करोगे तो कोई भी बोलेगा ना, दिन भर में तो आप लोग किए ही हो। तो ये सब बोलने के बाद शांत हो गए, नहीं तो बोल ही जा रहे थे आपस में। उनको लगा हमें समझ में नहीं आती, जैसे मैंने बोला फिर शांत हो गए। अब मैं देखूँगी 10 मिनट, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। तो फिलहाल अभी 10:30 रहे हैं, सोने की तैयारी है, और फिर मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। The next day. अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 10:30, 8:30 पहुंचने वाले थे, 2 घंटा लेट थी ट्रेन। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पुणे, अब जा रहे हैं घर की ओर, और थोड़ा लेट हो गया, कुछ ख़रीदारी कर रहे थे वहीं स्टेशन से। हम लोग पहुंच गए, पापा हमें बिल्डिंग के नीचे लेने आ गए थे। तो मैं घर पे पहुंच गई हूँ, यहाँ पे हम लोग बस खा रहे हैं, और पापा मम्मी से मिलाते। पापा बोल रहे हैं खाना खा रहे, और ये मेरी भाभी, मम्मी, दीदी, शुभ यहाँ बैठा हुआ है, बच्चे अंदर हैं। खाना खाने की तैयारी चल रही है अभी, भाभी और दीदी अंदर खाना परोसने की तैयारी कर रहे हैं, सबको खाना दे रहे हैं सब। हम लोग फिर तीनों एक साथ खाना खाने बैठेंगे।
भी ने लंच कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। दीदी क्या कर रही है देखिए, थक गई है और अब बैठे बैठे सो रही है, पर जगह पे जाके नहीं सोएगी। इतना बोला गया है पर फिर भी जगह पे जाके नहीं सोएगी। देखिए मस्त सो रही है, झपकी ले रही है, आँख भी खोल ली फिर से। यहाँ पर रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद एक मार्केट है बहुत बड़ा सा, वही मार्केट में हम लोग गए थे और अदिति के लिए कवर और स्क्रीन गार्ड लिया क्योंकि होली की वजह से पूरा ख़राब हो गया था। हम लोग जब घर पहुँचे थे तो फ्रूटी घर पे नहीं थी। फ्रूटी भैया की बड़ी बेटी का नाम है और वो कॉलेज गई हुई थी और अभी आई है घर पे, तो सब मिलके बातचीत कर रहे हैं। अभी है शाम का समय, फ्रूटी ने प्लान किया कि चलो सभी मिलके घूम के आते हैं, तो मैं, मेरी बड़ी दीदी, मेरे भैया की छोटी बेटी जिसका नाम है छुक्कू, और फ्रूटी और अदिति, शुभ, हम लोग सब जा रहे हैं घूमने के लिए मॉल में कपड़े खरीदने के लिए, तो चलिए चलते हैं। हम लोग आए हैं अभी मॉल में शॉपिंग करने के लिए, कुछ शॉपिंग हम लोग करेंगे और खा पी के फिर घर जाएंगे। अभी बज रहे हैं 8:30, तो घर जाते जाते 11 बजे, बड़ा मज़ा आ रहा है, सब एक साथ घूम रहे, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चे ये आगे जा रहे हैं और हम लोग दोनों बहनें पीछे हैं, अभी जा रहे हैं ऊपर कुछ खाने पीने, उसके बाद बाकी की शॉपिंग करेंगे।